एम भगभुगे भग्नि भाव तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे होंगे कि तैयार होकर कहाँ पे जा रहा हूँ, तो मतलब बता दूं आपको, कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब होती रहती है छोटी मोटी, तो उन्होंने एक पार्टी प्लान की है क्लब में, तो साइलेंट डिस्को नाम है। अब आप सोचोगे साइलेंट डिस्को क्या होता है, तो बेसिकली उसमें होता क्या कि हमको हेडफोन दे देते हैं, तो उसमें जो गाने बजेंगे सबके हेडफोन में वही गाने बजेंगे और सब इंजॉय करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कभी क्लब नहीं गया हूं, क्योंकि बड़ा शरीफ बच्चा हूं मैं। झूठ बोल रहा है। तो वैसे मैं आपको चीज बता देता हूं क्लब क्यों नहीं गया, क्योंकि चंडीगढ़ में यहां पर क्लब्स का क्या सीन है कि आपको कपल एंट्री फ्री मिलती है, और मैं ठहरा शुद्ध देसी सिंगल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरे को पैसे खर्चने पड़ते हैं, और इस बार क्या हुआ कि मतलब पासेस हमको सस्ते में मिल गए, मतलब जेन्युइन प्राइस में मिल गया पासेस हमको। तो अभी फिलहाल मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये धीरज, मोक्ष, ये भैया, ये भी भैया, नाम तो बता दो। मेरा गौतम। ये हर्ष। तो गाइज ये देख लो पास, पुठा पकड़ लिया, ये देख लो पासिस गाइज, फाइनली हमारा सपना सच होने जा रहा है गाइज। हसते चेहरे का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। तो गाइस हम आपको मिलते हैं क्लब के पास। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ये है फिंच क्लब, तो हम आपको मिलते हैं आगे। सिर नी कमाउंदे पी के रेड बुल नी पुछिया ना कर मेरा, ओ पुछिया ना कर मेरा स्केजुअल नी, यार दारू पींदे आ नी रेगुलर नी, पुछिया ना कर मेरा स्केजुअल नी, यार दारू पींदे आ नी रेगुलर नी। ओ काले शीशे टायर वार खाकी रंग मोड़ थारे रखे लशका के मुंडा गड्डिया, ओ करदे आ मुंडे चंगे घरां नूं बलोंग गेड़े लाउंदे पर ताड़ दे ना नट्टियां। और रानी के बाग पट्टू लाउण मैं फला, रानी के बाग पट्टू लाउण गेड़ियां। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं बाहर। मोक्ष कैसा लगा, एंजॉय किया? बहुत बढ़िया सर। धीरज तुझे कैसे? तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर, हमको बड़ी भूख लगी है, हम जाएंगे सेक्टर 11, वहाँ पर मतलब ढाबे वगैरह बड़े काफी बढ़िया हैं। तो आप देख सकते हो काफी बारिश लगी हुई है पीछे, उम्मीद नहीं थी, मतलब जब हम क्लब से बाहर आए तो देखा बहुत बारिश लगी हुई थी। तो अभी मैं रोड पे ही चल रहा हूँ, तो कि सब रोड पे ही चलते हैं। सदा सिर मथे लली छली यार दे मखौल ना, एक बामणा दा मुंडा उंज जट्टा तो दलेर लम्मे पौन लगे करे कोई कौड़। गाइस फाइनली हम सेक्टर 11 पहुंच गए दा। तो गाइस हम सेक्टर 11 आ गए हैं, ये यहां पर दादा जानते सबसे बढ़िया है, जेन्युइन प्राइस है, ये आप
यहाँ पर मेन्यू को पॉज करके भी देख सकते हो, रेट भी सब जेन्युइन है और खाना भी आपको बढ़िया मिलेगा। तो हम भी इंजॉय करते खाना, आप भी इंजॉय करो। एक बमणा दा मुंडा उंज जट्टा तों दलेर लम्मे पौण लगे करे कोई कौण ना, ओ हाथ खुला रखा पैग पौण लगिया, हाथ खुला रखा पैग पौण। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया, हमारा डिनर हो गया और सच बताया तो खाना बहुत ही बढ़िया था। इससे पूछ लो, एक नंबर खाना था हमारी तो यही सलाह। अगर सेक्टर 11 में खाना खाने आ रहे हो तो दुकान का नाम है ज्ञानी दा ढाबा, तो खाना आपको एक नंबर मिलेगा, प्राइस भी आपको जेन्युइन मिलेगा और खाना खाने आओगे तो ग्रुप में। हाँ, काफी बढ़िया खाना था, ग्रुप शूज करना चाहेगा, हमारा पेट तो फुल हो गया है। अब हम जा रहे हैं, सीधा सुबह उठेंगे और हम आ गए यहाँ पर हमारे अड्डे पे, अड्डा ठेके पे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने मतलब कॉलेज की ओर, तो मिलते हैं हम आपको, ब्लॉक के एंडिंग में वहीं पे कर दूंगा। तो बने रहिए, सुनो तो सही, ट्रीट किसने दी है सोचो, गेस करो ट्रीट आज कमेंट में बताइए, ट्रीट किसने दी होगी यार, उनको कैसे बता। तो गाइस हम अब आ चुके हैं, कहाँ पर आ चुके हैं, अपने घर, अपने घर पैक में आ चुके हैं, हमारा घर है। अच्छा, और यहाँ पे जावेद अली भी नाच के गया था, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, यहाँ पे पैक फेस्ट होता है, फुटबॉल ग्राउंड है ये। दोस्तों कैसे हो आप लोग, खुद सो आप अच्छे ही होंगे। तो मतलब रात को मैं ब्लॉग की एंडिंग कर नहीं पाया क्योंकि मतलब रात को आए थे, काफी थके हुए थे, जैसे ही बेड पे लेटे के बाद कुछ पता नहीं चला नींद का भाई। तो अभी सुबह हो गई है तो मतलब सोच रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग अभी कर देता हूँ। तो अब सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट और लाइक करके जरूर बताना कि मतलब वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। भगभुगे भगनी भागोदरी।